ऑपरेशन शिकंजा के तहत जिले में नशे के विरुद्ध कार्यवाही का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत थाना खमापुर और आधारताल थाना अंतर्गत पुलिस ने नशीले इंजेक्शन बेचने का अवैध कारोबार करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिले में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत क्राइम ब्रांच खमापुर थाना और आधारताल थाने की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए नशीले इंजेक्शन बेचने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने इनसे कुल 700 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। एडिशनल SP क्राइम समर वर्मा ने बताया कि खमापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने रवि तिवारी, रुपेश तिवारी, मान सिंह ठाकुर के घर में नशीले इंजेक्शन बरामद किए। वहीं आधारताल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने आकाश शहरवार और सबीना बी नामक एक महिला को नशीले इंजेक्शनों के साथ गिरफ्तार किया और सभी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है और विवेचना जारी है। थाना गमापुर और थाना आधारताल, इन दो थाना क्षेत्र में 700 इंजेक्शंस, जो पेकोविल और इस तरह के और इंजेक्शंस जो नशे में लोग यूज़ करते हैं, इनको जब्त किया गया है। और गमापुर में आरोपी रवि तिवारी, रुपेश तिवारी और एक मान सिंह ठाकुर के घर से बरामद हुए हैं। ऐसे ही आधारताल थाने में एक आकाश अहिरवार और एक सबीना भी, इनके पास से 100 इंजेक्शन्स, कुल 100 इंजेक्शन्स जब्त हुए हैं। और हम सबको पता है कि ये कितना नुकसान आज की युवा पीढ़ी को कर रहे हैं। पुलिस इस पर नियंत्रण करने के लगातार कार्रवाई कर रही है। ये आप सही कह रहे हैं, इसमें हमेशा ये होता है कि हम जिन आरोपियों को पकड़ते हैं वो कुछ और लोगों के नाम ले लेते हैं, पर इस बार चूँकि बहुत बड़ी मात्रा में इंजेक्शन्स मिले हैं तो उन्होंने जिन लोगों के नाम बोले हैं और अभी जो आरोपी पकड़े गए हैं, इनको PR में लेके हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम इसके पीछे तक जा पाएं। पुलिस इन आरोपियों से नशीले इंजेक्शनों के कारोबार से जुड़े और भी लोगों की जानकारी हासिल करने का प्रयास कर रही है।